हरे कृष्ण, मैं विशाल पाहवा। आज मैं आपको बताऊंगा कंसंट्रेशन को कैसे इंक्रीज किया जाए। सबसे पहले एक बात को समझते हैं, टीचर्स कहते हैं, मॉम डैड कहते हैं कि कंसंट्रेशन से पढ़ाई करो, ऑफिस में बॉस कहते हैं कि कंसंट्रेशन से काम करो, और गेम्स हो या स्पोर्ट्स, उसमें ट्रेनर कहते हैं कंसंट्रेशन से खेलो। लेकिन हमको ये नहीं बताता कि कंसंट्रेशन को कैसे इंक्रीज किया जाए। कहना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो कंसंट्रेशन बाबा सोचने से या कहने से इंक्रीज नहीं होती। तो एक बात को समझते हैं, हमारा मन हमारा गुलाम नहीं होता कि उसे हम ऑर्डर दे और वैसे काम करने लग जाए, ना कि कोई मशीन है कि बटन दबाए वैसे एक्टिवेट हो जाए। होता है कि इसका उल्टा होने लगता है। जितना हम कंसंट्रेशन से काम करने की कोशिश करते हैं, उतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाती है, दुनिया भर की बातें हमें याद आने लगती है, और पास्ट और फ्यूचर में हम बिल्कुल गुम हो जाते हैं। ऐसे और भी एग्जाम्पल की बात करूं तो जो हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार आते हैं, तो हम रोकने की जितनी कोशिश करते हैं उतने ज़्यादा और इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ओवरऑल ऐसा लगता है कि अपने अंदर ही कोई इंसान बैठा हुआ है हमसे पंगे लेने के लिए, जो हम उससे बोलेंगे वो उसका उल्टा ही करेगा। तो हमें समझना जरूरी है कि हमारा माइंड हमारा मन काम कैसे करता है। तो ऐसा फिर लगता है कि हम जितना मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उतना ही हमारे हाथ से निकल जाता है। तो क्यों ना कुछ हम ऐसा करें कि हमारा मन हमारा साथ दे जो हम काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए करना पड़ेगा माइंड एक्सरसाइज। वो कैसे, इसे कहते हैं काउंटिंग ब्रेथ। इसमें आपने अपनी सांसों को काउंट करना होता है। कैसे, इनहेल करते हुए 1, एक्सहेल करते हुए 1, इनहेल करते हुए 2, एक्सहेल करते हुए 2, इनहेल करते हुए 3, एक्सहेल करते हुए 3। अब एक बात का ध्यान रखना है कि आपने डीप ब्रीदिंग गहरे सांस में लेना है, इस तरह बिल्कुल नहीं करना, ये गलत है। आपने नेचुरल ब्रेथ करनी है, जैसे सांस अपने आप अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है वैसे ही आपने इसे काउंट करना है। इसे कितनी बार करना है, इसे आपने 1 से लेकर 20, 1 से लेकर 20 बार करना है। अगर आप 1 से 20 तक भूल जाते हो बीच में, तो दोबारा 1 से आपने स्टार्ट करना है। जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में रिवर्स काउंटिंग भी करनी है 20 से लेकर 1 तक। और जब 20 से लेकर 1 के बीच में आप भूलते हो, तो दोबारा आपने काउंटिंग करनी है 20 से फिर से स्टार्ट कर देना है। अब क्या होता है कि स्टार्टिंग में यस सब लोग भूलते हैं, बहुत नॉर्मल बात है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस तीन चार दिन करेंगे तो आराम से हो जाएगी। और एक बात ये भी होती है कि कभी कभी नींद भी आने लगती है, तो ध्यान रखना है सोना नहीं है, बिल्कुल एक्टिव होकर आपने इसे करना है। अब इसे आप जब आप इजी लगने लगे 1 से लेकर 20 तक, बिल्कुल भी भूलते नहीं हो, आराम से होने लगे, तो लेवल थोड़ा इंक्रीज़ कर दे अपने आप, फिर 30 कर दे, 40 कर दे, 50 कर दे, 100 बार भी कर सकते हैं। 100 बार करने के बाद तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस महसूस होगा। करने वाले लोग इसे 1000 बार भी करते हैं, उसके बाद तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल ही बिल्कुल हाई हो जाता है। अब इसे करना कब है, सबसे अच्छा टाइम रहता है सुबह और शाम। अगर सुबह शाम आपके पास टाइम नहीं है तो आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। और कहाँ पर करना है, इसे आप अपने बेड पर भी कर सकते हैं, ज़मीन पर योगा मैट लगा कर भी, या चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि बिल्कुल ज़्यादा शोर शराबा ना हो, ना आसपास कोई लोग हो, बिल्कुल शांतिपूर्वक जगह में आपने करना है। और इसे आपने डेली करना है। जब आप 7 दिन लगातार बिना भूले से करते हैं, तो आपको इसके रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। और मैं चाहता हूँ इसके बहुत अगर अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, तो इसके 21 दिन से लेकर 90 दिन, 3 महीने तक लगातार करें, तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और एक और छोटी सी टिप देना चाहता हूँ कि कभी कभार ये होता है कि कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन कभी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, कभी किसी की बात बुरी लग जाए, कोई स्ट्रेस हो, टेंशन हो, कभी एक्साइटमेंट भी, तो काम करने नहीं देती। तो उसमें आपने क्या करना है, काम करते करते एक ही हाथ से पहली उंगली और अंगूठे को ऐसे दबा के रखना है, तो इससे आपको डिस्ट्रैक्शन बार बार परेशान नहीं करेगी। और उसके बाद भी कभी कभी विचार को बहुत ही ज़्यादा परेशान करें, आपकी कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल वीक कर दे, तो आपने क्या करना है, उस समय आपने आँखें बंद करनी है, नाक से सांस अंदर लेना है, सांस को रोकना है, और उस विचार को याद करना है जो आपको बार बार परेशान कर रहा है। और उसके बाद आपने पहली उंगली अंगूठे को 7 बार 7 टाइम्स दबाना है ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद नाक से ही धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ देना है। ऐसा महसूस करना है कि उस विचार उस टेंशन को हम नाक के द्वारा अपनी बॉडी से धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हो। तो उसके बाद क्या होगा, कुछ समय बाद ही वो टेंशन, वो स्ट्रेस, वो विचार अपने आप ही गायब हो जाएगा। अब जाता थे इसका पूरा साइंटिफिक रीज़न भी देना चाहता हूँ कि कैसे काम करता है। सारा खेल आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का होता है। हमारा जो मन है प्रेजेंट मोमेंट में काम करने के लिए बना होता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कोई ना कोई विचार आपके मन में ले आता है जिसकी वजह से आप अट्रैक्ट हो जाते हो, या पास्ट और फ्यूचर में हम बिल्कुल गुम हो जाते हो। तो इससे क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड का जो प्रभाव होता है, असर होता है, इम्पैक्ट धीरे धीरे बिल्कुल कम होने लगता है, और कॉन्शियस माइंड का जो प्रभाव होता है, इम्पैक्ट होता है, धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है। जब कॉन्शियसली आपका माइंड एक्टिव होता है, तो आपका अपने आप ही प्रेजेंट मोमेंट में ध्यान लगने लगेगा,
फिर जो आप काम कर रहे हो उसमें पूरी कॉन्सेंट्रेशन से आप काम कर सकोगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।